सीएनएन का शो किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो इज्जत के साथ खड़ा हुआ कि यार कोई तो आया वजीर आजम। पाकिस्तानियों बैठ जाओ, फयाज चौहान से जवाब नहीं मिल रहा मुझे। जी पाकिस्तानियों को मैंने बिठा दिया सर। इलामा इकबाल का शाहीन बना है इमरान खान, उसने हर की तारीफ ही नहीं समझ आती। आप कहते हैं क्या किया भाई, वो होगा हैंडसम, वो होगा सादिक अमीन, वो करते रहो उसकी तारीफ। इतना मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू हो जाता तो फिर आप खुश थे। सर मनी लॉन्ड्रिंग पे मत जाइएगा वरना बहुत बड़े कट्टे खोल दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग पे मत जाइएगा, उसकी नाक के नीचे बैठे हुए उसके वजीर क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है। उसको अप्रिशिएट करो यार। हां ना, पहले फवाद चौधरी को अप्रिशिएट करूं फिर इमरान खान को अप्रिशिएट करूं, मैं ऐसे ही लगा हूं। अगर यही सब करना होता तो पीटीवी में नौकरी पा चुका होता मैं। हर वक्त जहर वाले तीर, जहर वाले तीर के सवाल पूछ रहा हूं, जवाब कहां है। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो नूर अल अफरीन सिद्दीकी जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं और फयाज चौहान जो इमरान खान की पार्टी का मेंबर है के बीच में जमकर बहस हुई सीएनएन इंटरव्यू को लेकर, जहां फयाज चौहान सीएनएन इंटरव्यू को लेकर एक कामयाबी बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और सब फयाज चौहान ये बताते हुए नहीं थक रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इमरान खान हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर में से एक हैं और वो सबसे बोल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। वहीं इस पाकिस्तानी पत्रकार ने पीटीआई के मेंबर को मस्त तरीके से धोया। वैसे ये जो पत्रकार है ये पाकिस्तान की गलत नीतियों को पहले भी उजागर करता रहा है। राउफ कलासरा के बाद अगर कोई पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तान को खुलेआम क्रिटिसाइज करता है तो वो नूर अल अफरीन सिद्दीकी ही है। आप भी इस वीडियो का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। थैंक यू सो मच। से निकलता है तो हीरो होता है नूर अल अफरीन, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्मों में होता है। हीरो होता है की फिल्म नहीं है। अल्लाह पाक नबी पाक के सदके जिसको हीरो पैदा करता है वो हीरो होता है। सर देख लिया वहाँ का वर्ल्ड कप का हीरो यहाँ आकर के कितना बड़ा जीरो साबित हो गया है। ताजिकिस्तान में बैठ करके एक उसने बिजनेसमैन ने कैसा आईना दिखाया है, वो पाकिस्तान का नंबर वन हीरो है। जालिम आदमी साबित कर दिया ताजिकिस्तान में बैठा हुआ, आप उसको हीरो बताने का, कैसा हीरो, कहां का हीरो। पाकिस्तान के मुकदमे को पूरी दुनिया के सामने जुर्रत और हिम्मत के साथ पाकिस्तानियत के साथ पेश किया। मुकदमा साईं केड़ा मुकदमा सर, ये तो बताएं। कम से कम एक दयानतदार आदमी को उसकी तारीफ करनी चाहिए। सर मैं दयानत, अच्छा अब आप मुझे, अब आप मुझे थोड़ी पे हाथ लगा करके, आसिफ अली जरदारी ने या किसी जनाब नवाज शरीफ ने कोई इस किस्म की जुर्रत और गैरत और पाकिस्तानियत का सबूत दिया हो। सर हम डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर आप कहें डिग्निटी की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं करेंगे, उन दोनों साफियों की बात नहीं करेंगे, आप उन दोनों लोगों की बात नहीं करेंगे, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी। लेकिन डॉलर की अगर हम बात कर लें, अगर आप इजाजत दें जनाब, आप बंदे हो, मैं बिल्कुल अकल का अंधा हूं, थोड़ा सा मुझे रोशनी दीजिए। के बंदे मत बनो सर, सर सर खुदी से सर आई लव यू। पास पानी शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। हाँ इलामा इकबाल का शाहीन बना है इमरान खान, उसने हर जगह पे इलामा इकबाल अगर शो देख लेंगे तो क्या गुजरेगी उन पे, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैं अगला सवाल अगर आप कहें तो पूछ लूं। अगर आप पाकिस्तान की कौम उसको झोलियां उठा उठा के दुआएं देती है यार, हमें कम से कम सच्चा पाकिस्तान होने पे फखर है। दुआ से पहले बद लगाइए जहां से मैं आ रहा हूं ना। आपको उसकी तारीफ ही नहीं समझ आती, आप कहते हैं क्या। अरे भाई वो होगा हैंडसम, वो होगा सादिक अमीन, वो करते रहो उसकी तारीफ। इतना मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू हो जाता तो फिर आप खुश थे। सर मनी लॉन्ड्रिंग पे मत जाइएगा वरना बहुत बड़े कट्टे खोल दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग पे मत जाइएगा, उसकी नाक के नीचे बैठे हुए उसके वजीर क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है उसकी नाक के पेट्रोल बोरान फारिग कर दिया, जिसने लूटा उसको साइड पे कर दिया, उसके बाद दूसरे आदमी को लग गया। सर आप सोचिए ना, आप क्या कह रहे हैं, आपकी बातों का कोई सेंस है। बच्चे पैदा होते हैं तो डॉलर में जनाब खरबपति होते हैं। जहांगीर तरीन को सजा मिली, नदीम बाबर को सजा मिली, आमिर कियानी को सजा मिली, परवेज खटक को सजा मिली, हर आदमी की विकेट लेकर के साइड में कर दिया भाई, अब दूसरा लूटेगा के देनी है। और नूरुल अरफीन यार मुझे तो आपकी समझ के ऊपर मातम करने को जी चाहता है। आप हुकूमत में ना, जब आप अपोजिशन में आएंगे तो मैं आपका दोबारा हीरो बन जाऊंगा, खुदा की कसम। ऐसी सजा देनी है, इंसान बनो यार, बेवकूफ ना साबित करो अपने आप को। ये आपको लग रहा है इसलिए कि इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ उससे आपके तजादात हैं, उससे आपके मफादात चकरा रहे हैं जनाब मन। मेरी जान सजाए अदालतों ने देनी होती है, हमने यहाँ पे कैंगरू अदालतें नहीं रखी हुई, हमने आजादी दी हुई अदारों को, वो अपनी मर्जी से फैसले करें। प्रोसिक्यूशन में आजादी है, फैसले अदालतों ने करने हैं। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी गाला में अदालत लगा के इमरान खान सर सजाएं देना शुरू हो जाए। कुछ और मौजूदात है जिनका आता करना है सर, आप मिल गए सर के जाए तो मार के जाए जनाब नूरुल अरफीन साहब। सर जाने मन आप अगर कहें तो लाइट चली गई। अच्छा लाइट में तो वैसे भी मसाइल थे सर, पिछली हुकूमतों में डॉलर जब ऊपर नीचे होता था, पेट्रोल की कीमतें आगे पीछे होती थी तो वजीर आजम चोर होता था, इस दफा ऐसा क्यों नहीं है। इस दफा वजीर आजम पे क्यों ना मलबा गिराया जाए, इस दफा वजीर आजम क्यों आ जाइए, इस दफा एक सेगमेंट तो मत बताओ ना।
पॉजिटिव चीजें बताओ कि जो पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान के माइक्रो लेवल सवाल मेरा कुछ और है, मैं पॉजिटिव चीजें क्यों बताऊं, ये तो आप मुझे हिदायत दे रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है वो बेहतर हुआ है, पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ है, डॉलर तगड़ा हुआ है, लोगों की हालत पतली हुई है, ये बातें कर रहा हूँ मैं तो, मैं कोई सरकारी चीज़ में तो नहीं बैठा हूँ। चीज है कि जनाब लोग पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पायरेसी कर रहे हैं, ताजा तरीन मिसाल आज की आपके सामने है कि न्यूजीलैंड की टीम को वापस बुला लिया गया, ना कोई लेना ना कोई देना, इंतहाई पुरअमन माहौल के अंदर टीम आ रही है, हर किस्म की रेक्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के बाद जनाब उस हुकूमत की टीम, हुकूमत ने अपनी टीम भेजी है, आज यकदम वापस जा रही है। क्यों भाई, इसके पीछे भी एक पूरा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के माशरे के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से एक एक जनाब वेस्टर्न इंटरेस्ट, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन इसमें डॉलर का है। सारों को अगला जनाब कन्फ्रंट कर रहा है, उसने एक एक जगह पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन डॉलर के ऊपर आई आपका दोलते मुश्तरका हो, आपका यूरोपीय यूनियन वालों के सामने हो, पूरी दुनिया के सामने हो, सबके सामने पाकिस्तान का अगला मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? बिल्कुल लड़ रहा है। अब जरा थोड़ा सा मुझसे भी बताया, लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? ये डॉलर कौन देगा? इस्लाम का मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? अरे हाँ वो ठीक है, सलाउद्दीन अयूबी का मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? सब्र तो कर ले भाई, उसको अप्रिशिएट करो यार। हां ना, पहले फवाद चौधरी को अप्रिशिएट करूं, फिर इमरान खान को अप्रिशिएट करूं, मैं ऐसे ही लगा हूं। अगर यही सब करना होता तो पीटीवी में नौकरी पा चुका होता मैं। हर वक्त जहर वाले तीर, जहर वाले तीर के सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब कहाँ है? ये डॉलर लखनऊ वाली जबान, इसमें डॉलर कहाँ था इस पूरे जवाब में? सर फयाज चौहान साहब आई लव यू, 3 दफा आई लव यू, इसमें डॉलर कहाँ था इस जवाब में? अभी ताजा ताजा CNN का शो किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो इज्जत के साथ खड़ा हुआ कि यार कोई तो आया वजीर आजम। पाकिस्तानियों बैठ जाओ, फयाज चौहान से जवाब नहीं मिल रहा मुझे। जी पाकिस्तानियों को मैंने बिठा दिया सर, डॉलर का जवाब दें। और हम किस जगह पे खड़े हैं भाई, ये सवाल क्या आपकी जंग लड़ी है और क्या हमने आपकी खातिर कुर्बानियां दी हैं? सर आप कुर्बानी वापस ले लो, उड़ा जो होता था पिछला वजीर आजम, तीन हुर्फ भेजता हूं आपकी कुर्बानी घाटे वाला, कभी उससे एक्सपेक्ट किया था आपने? डॉलर का सवाल था, कभी आपने उसे एक्सपेक्ट किया था? इसमें CNN भी आ गया, कभी जरदारी से एक्सपेक्ट किया था कि वो इस किस्म की जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात करेगा? जरदारी के खिलाफ मैंने जो कुछ किया है आप उसके अच्छी तरह गवाह हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं अभी, इसलिए बड़े मामला थे। इस जवाब में तीसरी दफा पूछ रहा हूँ, डॉलर क्यों? अच्छी बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, मैं अच्छी सवाल नहीं कर सकता, मैं सरकारी चैनल पे नहीं बैठा, मैं सरकारी मेंटेलिटी नहीं रखता, मैं एक अच्छा करंट अफेयर एंकर, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, नहीं हूँ मैं जो सवालात पूछ रहा हूँ, या तो आप इसको डिनाई कर दें कि ये इशू इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है, डॉलर ऊपर नहीं गया, वो एंकर को मारो एक साइड पे जरा गोला, और भाई अच्छा इनका, जब आप अपोजिशन में आएंगे ना तो आपको अरविंद सिद्दीकी की याद आएगी, अच्छे इंसान बनो, मुझे सिर्फ अपोजिशन में, अपोजिशन मुझे अच्छी, दुश्मन भी कोई अच्छा काम, अपोजिशन ही मुझे अच्छी लगती है और अपोजिशन को मैं अच्छा लगता हूँ। जब आप अपोजिशन में थे तो आपको मैं लगता था अच्छा, अली जैदी को मैं अच्छा लगता था, फैसल जावेद को मैं अच्छा लगता था। जिस अंदाज से 3 सालों में पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानियत की जो जंग लड़ी है उसकी तारीफ करो, पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा दिया, अपने पांव पे खड़ा किया है, उसकी तारीफ करो। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये पूछो तो फिर मैं पूछूंगा, तो आप मुझसे सवाल सिर्फ पूछेंगे, आप गालियां नहीं देंगे, आप कह रहे हैं इमरान खान की तारीफ करो, बराए तनकीद नहीं करेंगे, मैं आपसे इलेक्शन कमीशन वाले नाम तराजी नहीं करेंगे, मीडिया के एहतसाब की बात कर रहा हूं, नहीं करेंगे आप, नहीं आप गोले नहीं चलाएंगे, आप मार्टर गन नहीं चलाएंगे, मैं मीडिया के एहतसाब की बात कर रहा हूं, मैं आप पटियाला मिसाइल नहीं चलाएंगे, मैं तोतले और पोपले के एहतसाब की बात कर रहा हूं, आप फवाद चौधरी के गुनगाने लगे, आप गाली गलौज शुरू कर दो, सोफिस्टिकेटेड किस्म की गाली गलौज, भाई यार आपको किसने राइट दिया ये? आप सवाल पूछो, सिंपल जनाब, गालियां तो आती नहीं है मुझे।